तो समराइज करते हैं, सर्कल एक कलेक्शन है वो सारे पॉइंट का जो किसी एक पॉइंट से इक्विडिस्टेंस होते हैं, फिक्स पॉइंट। इस फिक्स पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, इसको कहते हैं रेडियस, इसको कहते हैं सर्कमफेरेंस। जो इक्वल कॉर्ड होती है, जैसे इक्वल कॉर्ड है, इक्वल कॉर्ड जो होगी कॉन्ग्रुएंट सर्कल की वो सबटेंड करेंगी इक्वल एंगल, यहां पर इक्वल एंगल बना रही है। यदि एंगल जो सबटेंड कर रहे हैं दो कॉर्ड किसी सर्कल के या फिर कॉन्ग्रुएंट सर्कल के सेंटर पे, वो आपके इक्वल होंगे या कॉर्ड इक्वल होंगे। जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है अगर सेंटर से आप एक कॉर्ड पे डालें तो ये इसको बाइसेक्ट करती है। यानी कि आप ये कहें लाइन जो ड्रॉ करेंगे सेंटर से कॉर्ड पे, अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये बाइसेक्ट करेगा। किसी भी नॉन कोलिनियर पॉइंट से, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट है यानी एक लाइन में नहीं है, उससे केवल एक और एक सर्कल ड्रॉ किया जा सकता है। वो बनाते कैसे, इन दोनों को लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इन दोनों को लेके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो इंटरसेक्शन होगा वो सेंटर होगा, बना दीजिए। जो इक्वल कॉर्ड होते हैं सर्कल के वो इक्विडिस्टेंस होते हैं सेंटर से। इसी तरीके से इसको उल्टा कहें कि जो कॉर्ड इक्विडिस्टेंस है सेंटर से वो आपके इक्वल होते हैं। यदि दो आर्क आपके सर्कल के कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उनके कॉर्ड भी इक्वल होंगे, या इसको उल्टा कहिए कि यदि दो कॉर्ड सर्कल के इक्वल है तो उसके जो उनके करस्पॉन्डिंग आर्क माइनर और मेजर वो भी एक जैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। जो कॉन्ग्रुएंट आर्क होते हैं सर्कल के वो सबटेंड करते हैं हमेशा इक्वल एंगल, यानी कि आप कहें ये और ये दोनों बराबर है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, ये सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे ये दोनों भी बराबर होंगे। जो एंगल सबटेंड करेंगे एक आर्क, इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये आर्क है या इसे कहेंगे ये कॉर्ड, ये आर्क, ये कॉर्ड जो ये सेंटर पर बना रहे हैं और जो ये किसी भी पॉइंट पर बना रहे हैं, ये आपका 2x है तो ये हमेशा x होगा, यानी कि ये इसका आधा होगा। एंगल जो सेम सेगमेंट पे है सर्कल के वो इक्वल होंगे। एंगल जो सेमी सर्कल में होता है, अगर हम इस तरीके से बनाए सेमी सर्कल, कोई भी एंगल बना दें, ये चाहे ये चाहे ये हमेशा 90 डिग्री होंगे। यदि लाइन सेगमेंट जो ज्वाइन कर रहे हैं दो पॉइंट को, वो सबटेंड कर रहे हैं इक्वल एंगल दो पॉइंट पे जो सेम साइड पे है, इसका मतलब जो चारों पॉइंट है वो आपके सर्कल पे आ रहे हैं। कॉन साइक्लिक, जो कॉन साइक्लिक सर्कल होता है यानी या फिर आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं, उसका जो अपोजिट साइड है, ये मैं क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना दूं, तो जो अपोजिट साइड को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा, इसको जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। या ये इस तरीके से कहिए कि अगर ये अपोजिट साइड किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर जोड़े 180 डिग्री आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल के चारों पॉइंट आपके सर्कल का आएंगे।